एबायोटिक प्रॉपर्टीज हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स हैं, लगभग 118 एलिमेंट्स हैं, जिनकी अलग अलग सेपरेटली स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था। इसलिए उन्हें बहुत ही अच्छे से एक पीरियड्स में अरेंज कर दिया गया है, जिसको पीरियडिक टेबल बोलते हैं। उन सारे 118 एलिमेंट्स को एक पीरियड में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिनमें 18 ग्रुप होते हैं एंड 7 पीरियड्स होते हैं। इन जो पीरियडिक टेबल है उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए, उन जब सारे एलिमेंट्स को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया पूरे पीरियडिक टेबल्स में, तो उन्होंने बहुत सारे प्रॉपर्टी भी डिफाइन किया, जिसमें पता चला कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसी थी, टॉप टू बॉटम आने पे कैसा था। तो अभी आप पीरियडिक टेबल आपने पढ़ रखा है, तो आप देखिएगा पीरियडिक प्रॉपर्टी। पीरियडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट्स की, वो है एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस क्या है? कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो नॉर्मल एलिमेंट है, उनमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों साइड पे सेल होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन सराउंडेड रहता है, घूमते रहता है। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस से उनके सबसे बाहर वाले सेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अब क्योंकि डेफिनेशन से आपको क्लियर हो गया कि जो एटॉमिक रेडियस है उसको दो फैक्टर अफेक्ट करेंगे, इससे पहले थोड़ा जान लीजिए कि जो एलिमेंट है वो एलिमेंटल फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं होते, वे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसकी एटॉमिक रेडियस डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए जो एटॉमिक रेडियस है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एटॉमिक रेडियस 3 टाइप का होता है। फर्स्ट कोवेलेंट रेडियस, सेकेंड होता है मेटालिक रेडियस, एंड थर्ड होता है वैन डेर वाल्स रेडियस। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, ये जो कोवेलेंट रेडियस है वे उन एटम में, उन मॉलिक्यूल्स में होता है जो नॉन मेटल्स होते हैं, या नॉन मेटल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो उनकी जो बीच की रेडियस होती है उन रेडियस को कहा जाता है कोवेलेंट रेडियस। मेटालिक रेडियस, जो मेटल्स है वो मेटल जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा तो जो मेटल है उनके बीच की जो रेडियस है उनको बोलेंगे मेटालिक रेडियस। एंड वैन डेर वाल्स रेडियस जो आप गैसेस पढ़ते हैं, नोबल गैसेस, उनके बीच की जो रेडियस होती है उनको कहते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस। एक नॉर्मल, एक सिंपल, एक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए, बाकी पीरियोडिसिटी हमें एटॉमिक रेडियस की ही पढ़नी है। देखिए, जो कोवेलेंट रेडियस होते हैं ये कैसे बनते हैं? दो नॉन मेटल्स की ओवरलैप करने से। एंड जो मेटालिक रेडियस है वो बनते हैं आपके दो मेटल्स के पास पास आने से। एंड जो वैन डेर वाल्स रेडियस है वो बनते हैं नोबल गैसेस। तो आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं कम्प्लीटली, इसलिए जो कोवेलेंट रेडियस होता है वो इन दोनों के कंपेरिजन में छोटा होता है, और इनकी स्टडी ऐसी करते हैं। ये देखिए, ये दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, अगर आप इन दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दें तो आपका रेडियस निकल जाएगा। सेम वैसे ही ये एक मेटल है, दूसरा मेटल, दोनों के बीच के डिस्टेंस का हाफ कर दीजिए तो आपका ये मेटालिक रेडियस आ जाएंगे और यहाँ पे आपका वैन डेर वाल्स रेडियस हो जाएगा। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि जो वैन डेर वाल्स रेडियस है वो कौन बनाते हैं? नोबल गैस, मतलब 18th ग्रुप एलिमेंट, जो लास्ट वाले पीरियोडिक टेबल में लास्ट ग्रुप एलिमेंट है वो क्रिएट करते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस। यही रीजन है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट साइज अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 18th ग्रुप एलिमेंट का। अब देखिए, बात कर रहे थे एटॉमिक रेडियस की, तो जो एलिमेंट होते हैं उनमें एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन आपने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। अगर इनकी डिस्टेंस की बात करें तो इन्हें दो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ
सेल. फर्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ सेल एंड द सेकेंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज. ये दो फैक्टर ही है. तो नंबर ऑफ सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? एटॉमिक रेडियस की. क्लियर? जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जाएगा. न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. तो जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेंगे, और अट्रैक्शन फोर्स के कारण से जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा. इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, एटॉमिक रेडियस के. तो ये दो फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करता है, फर्स्ट नंबर ऑफ सेल एंड सेकेंड न्यूक्लियर चार्ज. अब हम इसकी स्टडी करेंगे पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का क्या फर्क पड़ता है. जब पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे है आपका एस ब्लॉक, यहाँ पे बीच में होता है डी ब्लॉक, यहाँ पे पी ब्लॉक और यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट. एस ब्लॉक एलिमेंट सिंपल, इन द फर्स्ट ग्रुप क्या होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. सेम यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बेरिलियम, ट्रंशियम होता है यहाँ पे. क्लियर? फिर आप जैसे जैसे आगे जाते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बाद यहाँ 13 ग्रुप से 13, 14, 15, 16, 17 और 18th ग्रुप. ये जो 6 ग्रुप है वे सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है राइट, बोरान कार्बन ऑक्सीजन, बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन. देखिएगा एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे थे आप, मैंने आपको बताया एटॉमिक रेडियस नंबर ऑफ सेल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जब हम डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, अभी इसे रहन दीजिए आप इतने में ही समझ सकते हैं, जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम जब हम नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाता है, कंटिन्यूसली नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे. जैसे हाइड्रोजन है तो क्या है इसका, 1s 1s1, लिथियम 1s 2 2s 1, देन सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1. क्लियर? नंबर ऑफ सेल आर इंक्रीजेस, कंटिन्यूसली नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जा रहा है. देखिए और यहां पे आते आते क्या, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड में फिर से सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जा रहे हैं कहां से, न्यूक्लियस से. तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है. तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने से एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, बढ़ते जाता है. और जब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, जब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ये ऐसे, तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेगा, पर नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे. ये जो सेल है वे तो नहीं बढ़ेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी. तो मैंने पहले भी कहा था कि जब न्यूक्लियर का अट्रैक्शन बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज की तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है.
तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया आपका ये वाला, टॉप टू बॉटम समझ आ गया, एटॉमिक रेडियस हमेशा इंक्रीज होगा ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, इतने से भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इसका डिस्टेंस, देखिए नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल तो उतने ही है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4, 5 एंड 6, यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम। देखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ सेल्स भी सेम है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने के कारण से अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और ड्यू टू दिस अट्रैक्शन साइज कैसे होते जाएंगे, छोटा होते जाएगा। मैंने कहा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स सेम है, दो इसमें भी, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ रहे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जो सेंटर में है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, उसकी नंबर कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, आउटर स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन है उसे अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण या न्यूक्लियर चार्ज के कारण से साइज लेफ्ट टू राइट जाने से छोटी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं सिंपल, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस या एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एंड लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस फर्दर डिक्रीजेस। लेकिन ये जो रूल है ना कि आपका लेफ्ट टू राइट जाने से ये डिक्रीज होता है, ये 17 ग्रुप तक ही डिक्रीज होगा, ठीक है, 18 ग्रुप का एलिमेंट का साइज छोटा नहीं होगा या एटॉमिक रेडियस छोटा नहीं होगा, ये मैंने पहले ही बताया। बिकॉज जो 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप में कौन है, नोबेल गैसेस, और नोबेल गैसेस की जो रेडियस है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, वॉन्डर वॉल्स रेडियस से कैलकुलेट करते हैं, और वॉन्डर वॉल्स रेडियस नॉर्मल रेडियस से हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए कभी भी लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, बट 18 ग्रुप की एटॉमिक रेडियस डिक्रीज नहीं होता, 18 ग्रुप की एटॉमिक रेडियस ज्यादा ही रहता है इनसे, क्योंकि उनमें वॉन्डर वॉल्स रेडियस प्रेजेंट होता है। तो सिंपल आप कह सकते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में देखिए सबसे नीचे कौन सा है, ये इसे हम नहीं लेते, क्योंकि जो ये फ्रेंशियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, बहुत कम टाइम के लिए, इसकी लाइफ लाइन बहुत कम होती है, थोड़ी टाइम्स के लिए आता है, फिर ये इसका डेथ हो जाता है, तो इसे नहीं बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई कौन से एटम की है, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई है किसका, सीजियम का, बिकॉज नीचे जाने से यही तो है ना, एंड लेफ्ट राइट जाने पे सबसे स्मॉलेस्ट आ जाए तो इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल लार्जेस्ट एलिमेंट कौन है, ये है आपका सीजियम, और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन होगा, फ्लोरीन, क्योंकि नियॉन नहीं है ना, नियॉन में वैन डेर वाल्स रेडियाई होता है। तो ये आपका एटॉमिक रेडियस कंप्लीट हो गया। कंक्लूजन इतना निकला कि टॉप टू बॉटम आने से एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, एंड लेफ्ट टू राइट जाने से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्लियर है? इसके अलावा क्वेश्चन कभी कभी बोरॉन फैमिली का आ जाता है। बोरॉन फैमिली ना, बी ब्लॉक का जो बोरॉन फैमिली है 13th ग्रुप का, इन बोरॉन फैमिली में साइज ये है आपका, तो जो बोरॉन फैमिली है 13th ग्रुप एलिमेंट, उनमें मैंने जैसे कहा कि इन जनरल केस टॉप टू बॉटम आने से साइज इंक्रीज होते जाता है, लेकिन इनके केस में क्या होता है, यहां से यहां साइज इंक्रीज हुआ, पर इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, फिर उसके बाद साइज जो है वो इंक्रीज होता है। इनका रीजन क्या है कि जो एल्यूमिनियम है उनसे ज्यादा बड़ा होना था किसको, गैलेनियम को, पर यहाँ पे ये नहीं होता, बल्कि एल्यूमिनियम और ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। इसका रीजन क्या है,
इसका रीजन ये है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होता है, और ये जो डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होता है तो डी ऑर्बिटल की जो सिल्टिंग पावर होता है, आप एक बार पढ़िएगा एक पीरियोडिक टेबल्स में, डी ऑर्बिटल की सिल्टिंग पावर बहुत ही पुअर होता है एस ऑर्बिटल के कंपेरिजन में, इसलिए यहाँ पे जो सिल्टिंग पावर है डी ऑर्बिटल की वो पुअर है, तो साइज जो है वो इसका थोड़ा सा कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। तो एक याद रखने वाली चीज है कि ये जो बोरॉन फैमिली है उसमें कंटिन्यूअसली एटॉमिक रेडियस जो है वो नहीं बढ़ता। एटॉमिक रेडियस आपका कंप्लीट हो गया इन अ पीरियोडिक टेबल। सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या सम टाइम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इन अ आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के, कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, जैसे मैंने एक ऑर्बिटल बनाया ये देखिए, इनके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी तो बोल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इन ए गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को ही उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आपको समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से है? आउटर स्फीयर से, राइट? तो इसे क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है? सिंपल, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है? तो पहले उसी की बात कर लेते हैं कि फैक्टर कौन कौन से इसको अफेक्ट करता है, इसको भी क्या अफेक्ट करेगा। फर्स्ट साइज, सबसे पहला क्या अफेक्ट करेगा? साइज ऑफ एलिमेंट या एटम, एटम की साइज कैसी है वो अफेक्ट करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी को। एंड सेकेंड चीज अफेक्ट करता है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट या एटम। देखिएगा कैसे, फर्स्ट है साइज, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन एनर्जी के। क्यों? जैसे जैसे एलिमेंट की साइज बढ़ेगा या एटम का साइज बढ़ेगा, उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होते जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम हो गया है तो ऐसे कंडीशन में वो जो आउटर स्फीयर में इलेक्ट्रॉन है उसे इजिली रिमूव किया जा सकता है। तो जैसे जैसे एटम्स की साइज बढ़ते जाती है वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स कम होते जाता है और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, उसे इजिली रिमूव कर लिया जाता है। तो उसे रिमूव करने में हमें बहुत ही कम एनर्जी लगती है, इसलिए साइज बढ़ने के साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते जाता है। तो साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी की कैसा है? इनवर्सली का रिलेशन है आपस में, ठीक है। सेकेंड मैंने कहा स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, आपको पता है कि वे सारे एटम जिनके आउटर सेल हाफ फिल्ड है एंड फुल फिल्ड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड फॉर्म में वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ज्यादा मेहनत हो जाता है या बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो स्टेबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी की। यही रीजन है कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं एंड जो फुल फिल्ड इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो अब ऑलरेडी स्टेबल है एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल जो स्टेबल है, इनकी एनर्जी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ज्यादा होती है बाकी के कंपैरिजन में। आप पीरियोडिक टेबल में इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं इनकी पीरियोडिसिटी।
पहले आपने डेफिनेशन देखा, अब आप इनकी पीरियोडिसिटी देखिएगा. इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी देख रहे हैं ना, इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने से साइज क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है. टॉप टू बॉटम आने से साइज कैसे होते हैं, इंक्रीज होता है, तो अट्रैक्शन क्या हुआ, कम हो जाता है, तो इजिली इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है. तो वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली निकाल लिया गया. तो टॉप टू बॉटम आने से, बिकॉज साइज इंक्रीज होते जाता है, टॉप टू बॉटम आने से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, इसलिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है. बट लेफ्ट टू राइट जाने से, जब हम, ये तो टॉप टू बॉटम है, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज छोटा होता जाता है. और साइज छोटा होने के कारण से, जैसे ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज छोटा होते जाता है, साइज छोटा हुआ मतलब अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. ये तो हो गया फर्स्ट इन जनरल. पर मैंने सेकेंड और टर्म यूज किया था कि जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं एंड जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, उनका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज अपने नेबर से ज्यादा ही होता है. ठीक है, अपने नेबर से, आसपास वाले एटम से ज्यादा होते हैं. वो देख लीजिए, इन जनरल टर्म में, जनरल टर्म में आप क्या बोलेंगे, जनरल टर्म में आप यही बोलेंगे ना कि जैसे मेरे पास है लिथियम, फिर मेरे पास है सोडियम, पोटेशियम, सीजियम. अगर मैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछूं तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या बताएंगे, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन इनकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी. क्यों? क्योंकि ये कैसा है, डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप लिखा है ना मैंने एलिमेंट को, ये सारे फर्स्ट ग्रुप है आपके, फर्स्ट ग्रुप है, डाउन द ग्रुप मैंने लिख रखा है. तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, नीचे जाते जाते कम होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड की. बट लेफ्ट टू राइट अगर मैं बात करूं, तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, सपोज देखिए मेरे पास है लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यहां तक रखते हैं फिलहाल, एंड नियॉन भी लिख लीजिए. अगर नॉर्मल साइज के अकॉर्डिंग में बात करें, तो साइज के अकॉर्डिंग आपको क्या लगेगा, यहां से यहां जाने से साइज छोटा होते जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा. तो इन जनरल केस आप इसे ऐसे लगाएंगे, बट ये ऑर्डर रॉन्ग है, ये बिल्कुल सही नहीं है. जनरल केस आप ऐसे ही पढ़ते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते जाती है. पर सेकेंड रूल मैंने बताया कि जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं एंड जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा अपने नेबर से ज्यादा होता है. तो यहाँ पे देखिए, ये इनका ऑर्बिटल, इनके लास्ट लास्ट ऑर्बिटल देखना होता है ना, तो यहाँ पे इसके लास्ट ऑर्बिटल देखिए क्या है, 1s2 एंड 2s1, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है. अगर इसकी बात करें 1s2 2s2, देखिएगा एस ने पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं, तो इसे तो बोलते हैं ना फुलफिल्ड ऑर्बिटल. क्लियर है, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है. एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है. पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, 6, तो 6 अगर भरा गया तो वो फुलफिल्ड ऑर्बिटल होगा, और इसका जो 3 है वो हाफ फिल्ड होगा. डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10, 10 में फुलफिल्ड होगा, और अगर हाफ कर दो तो ये इसका हाफ फिल्ड होगा. पर ये सब जो है वो स्टेबल होते हैं ना, इस फॉर्म में स्टेबल होते हैं ये सारे ऑर्बिटल. तो देखिए, एस ने 2 इलेक्ट्रॉन रख रखा है, तो ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है. और मैंने कहा था कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल बहुत स्टेबल होता है, तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है. तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा हो जाता है, इससे तो ज्यादा है ही, मैंने कहा था अपने नेबर से ज्यादा होता है, तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा हो जाएगी. तो ये सीक्वेंस अब ऐसा होगा, मतलब बेरिलियम का लिथियम से भी ज्यादा है और बेरिलियम का बोरॉन से भी ज्यादा है, बाकी सीक्वेंस बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आपने फर्स्ट जनरल केस में पढ़ा था. जस्ट इधर आते आते आ जाता है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p3. यहाँ पे कैसा है p ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड.
अगर 3p ऑर्बिटल ने हाफ फील्ड बना रखा है तो ये भी कैसा है, स्टेबल है। मैंने कहा था हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑल्सो स्टेबल, तो इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी अपने नेबर से ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, बाकी सिक्वेंस वही रहेगा। अब ये राइट है तो हम बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, ये सारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ती है, लेकिन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होती है, अब यहाँ पे ये फुल फील्ड भी है और अट्रैक्शन भी ज्यादा है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, हायर। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, पर फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एनर्जी उनके नेबर से, अपने उनके पड़ोसियों से ज्यादा होता है। तो ये एक्चुअल सीक्वेंस है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो अपने दो प्रॉपर्टी पढ़ लिए पीरियोडिक टेबल्स में, फर्स्ट एटॉमिक साइज एंड द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी।